दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं और हर ग्रह अपने आप में ही अनोखा है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारी पृथ्वी पर बारिश के रूप में पानी बरसता है, लेकिन हमारे सौरमंडल के नेपच्यून ग्रह में पानी की जगह डायमंड बरसता है। इसी तरह हर ग्रह की भौगोलिक संरचना अपने आप में ही अलग है। आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर वैज्ञानिकों का दावा है कि वहां पर लोगों की उम्र कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले दुनिया भर की सबसे रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है और अगर इन 365 दिनों को घंटों में बांटा जाए तो एक साल में 8,707 घंटे होते हैं। कुछ समय पहले ही हमारे वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने कैपलर टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसे ग्रह को खोजा है जहां पर महज 7.5 घंटों में ही साल पूरा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर तर्क दिया है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य उस ग्रह पर चला जाए तो जब पृथ्वी पर एक साल पूरा होगा तब उस व्यक्ति की उम्र 1251 साल हो चुकी होगी। यह तथ्य सुनने में बड़ा ही मजेदार लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैपलर टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया यह ग्रह अंतरिक्ष का सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कहा जाता है। यह उस सौर मंडल के सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस ग्रह का सूर्य की परिक्रमा करने का समय महज 7.4 घंटों का ही है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम EPIC-24B रखा है। वैसे इसे C-12b के नाम से भी जाना जाता है। कैपलर टेलीस्कोप जिसकी मदद से यह ग्रह खोजा गया है एक सुदूर प्लेनेट हंटिंग टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप अब तक 2300 ग्रहों की खोज कर चुका है। वैज्ञानिकों ने C-12b ग्रह को पृथ्वी के समीप ही खोजा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है। इस ग्रह के विषय में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह में भारी लाल पत्थरों की मात्रा अधिक है जिसकी वजह से यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर जीवन की स्थिति को जानने के लिए शोध किया तो उन्होंने पाया कि इस ग्रह में स्टेलर रेडिएशन अधिक है जिसकी वजह से वहां पर वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। हमारे वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जहां पर पृथ्वी की तरह ही जीवन पाने की संभावना हो। तो दोस्तों, आपका इस ग्रह के बारे में क्या कहना है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय एपिसोड से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।